तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे आप लोग? फ्रेंड इस वक्त हम क्वारसी के चौराहे पर हैं और जैसा कि आपको बताया कि क्वारसी चौराहा काफ़ी चौड़ा हो चुका है, फोर लेन हो गया है और यहाँ फ्लाईओवर बनने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और तासी गेट भी चलेंगे, वहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो सारा हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। ऐसे पहले आप देख सकते हैं ये पूरा घेर दिया गया, पता नहीं पेंडिंग जोन है क्या है, पता नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और हम पहुँच चुके हैं क्वारसी चौराहे पर और रोड देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा हो गया, फोर लेन हो चुका है। ये देखिए ये एक तरफ का रोड है, कितना चौड़ा और बैरियर लगा हुआ है बीच में, मतलब डिवाइडर, और उधर अलग बन गया है, बहुत चौड़ा हो चुका है। देखिए दुकानें भी सारी पीछे हो गई हैं और यहाँ पर एक फ्लाईओवर ही बनने वाला है आपका, इधर से स्टार्ट होगा रामघाट रोड से और उधर की तरफ हरदोगंज की तरफ उतर जाएगा, तो उससे जाम वाम भी बहुत कम हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी जाम लग रहा है यहाँ पर। अलीगढ़ में सबसे बड़ा जो चौराहा होगा मेरे ख्याल से यही होगा क्वारसी वाला। ये रोड जो आ रहा है ये आपका हरदोगंज से आ रहा है और सीधे इटा चुंगी की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं रोड। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं सासनी गेट और वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, सर्किल वर्किल बन रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्वारसी चौराहा का व्यू। इस वक्त रामघाट रोड पर है और थोड़ी दूर पे यहाँ पे क्वारसी चौराहा है और काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं, जाम सा लगा हुआ है। तो इस वक्त आ चुके हैं मीनाक्षी पुल और देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बीच में पहले डिवाइडर लगा हुआ था, इसलिए गड्ढा गड्ढे से आए रोड पे, और मीनाक्षी पुल से उतर के फिर पहुँचेंगे सासनी गेट और वहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे आप। ये मीनाक्षी देख सकते हैं हॉल है, उसी के नाम से बना हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर पहले टू व्हीलर भी निकल जाया करती थी, लेकिन अब बैरियर लगा दिया गया है, अब यहाँ से बस पैदल चलने वाले निकलते हैं, साइकिल वाले जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया, लाइफ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मेरे ख्याल से वजन हटा दिया गया। तो मीनाक्षी पुल से उतरे हैं और आप देख सकते हैं ये चौराहे पर कितनी भीड़ है, यहाँ पर ऐसी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर। भैया साहब देख रहे हो ना कितने जाम है यार, ये सब देख सकते हैं अलीगढ़ की पुरानी आबादियाँ हैं, ये पुरानी आबादियाँ सब जितनी भी दुकान बिल्डिंग देख रहे हैं देख सकते हैं कितनी पुरानी पुरानी बनी हुई। ये इलाका जो है मदार गेट कहलाता है, यहाँ से मदार गेट स्टार्ट हो गया है और आगे चौराहा पड़ेगा, ये पहुँच चुके हैं चौराहे पर। और ये देखिए फूल उल बिक रहे हैं यहाँ पर, तो ये सामने जो रोड जा रहा है देख सकते हैं, हाँ ये जा रहा है मकान के लिए और पुल चौराहे पहुंच जाएंगे यहाँ से ऊपर कोटी तरफ। देख सकते हैं कितना खतरनाक जाम है, देखो पैर बचाना है, घर वाले देख सकते हैं कितने पुराने बने हैं यहाँ। ये देख सकते हैं पुराने घर, पहुंच चुके हैं हम लोग। कौन सा कलर था, ये वाला है आगे वाला है, अभी अभी यही है। देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं चौराहे पर और ये क्रॉसिंग सर्किल अभी अभी बना है हाल फिलहाल में, पहले बहुत छोटा था, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बना हुआ है ये, और सब थोड़ा चक्कर मालूम गोल। ये देखिए अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है, ऊपर स्टैचू बना हुआ है, तो ये नया बना है और इसका थोड़ा साइज़ भी बड़ा कर दिया गया है, बिल्कुल रेनोवेट हो चुका है
और ये सर्किल है आपका साथी गेट का। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, बिल्कुल नए ज़माने का बनाया आपको, पूरा मैंने घूम के निकाल दिया, ये नया बनाया पूरा, तो काफ़ी काम चल रहा है। और ये मथुरा की तरफ रोड जा रहा है और इधर की तरफ आगरा की तरफ जा रहा है। और अलीगढ़ से जाम से बचने के लिए अभी आपने देखा जैसे कि आ रहे थे हम लोग तो बहुत जाम पड़ा था रास्ते में, तो यही जाम से बचने के लिए एक रास्ता निकाला है आगे से एटा चुंगी के पास से फ्लाईओवर बनाया, वो सीधे आपको शहर से बाहर निकालेगा, तो आप उस रास्ते से आएंगे तो आपका ये अभी आने में घंटा जो लगा है हमारा जाम ये बच जाएगा और 15-20 किलोमीटर शॉर्ट ही पड़ेगा। तो वो कौन सा फ्लाईओवर है आपको दिखाते हैं अभी पूरा। ऊपर आप देख सकते हैं ये एक एक्सप्रेस वे बना हुआ है, ये सीधे कानपुर के लिए निकलता है, जीटी रोड है एक तरीके का, ये सीधे निकल जाएगा आपको अलीगढ़ में आने की जरूरत पड़ेगी, आप आराम से तेजी से निकल जाएंगे यहाँ से कानपुर, दिल्ली से कानपुर। और एक और देख सकते हैं आप ये रेलवे ट्रैक है, तो अभी हम लोग यहाँ से आ रहे हैं सातवें गेट से, वहाँ से अभी तक 8-10 किलोमीटर चल चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी लंबा रास्ता है, और फ्लाईओवर जो मैं दिखाऊंगा वो उससे आपको काफ़ी डिस्टेंस बच जाएगा। तो देख सकते हैं इधर से हम लोग आ रहे थे और सातवें गेट से ये कम से कम 15 किलोमीटर है और यहाँ से सीधे आप निकल जाएंगे आगरा के लिए ये, और यहाँ से ये देखिए अभी हम चलेंगे, ये नया फ्लाईओवर बना है तो यहाँ से बहुत शॉर्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जाम से बचेंगे और डिस्टेंस भी कम से कम 15 किलोमीटर कम पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्लाईओवर मैं आपको दिखाता हूँ ये अभी हाल फिलहाल में बना है, ये बढ़िया रहेगा आपका। क्वारसी एटा चुंगी की तरफ से आएंगे आप और सीधे निकल जाएंगे आगरा के लिए, जाम से बचेंगे और 15 किलोमीटर आपका बचेगा अभी, चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं पहुँच चुके हैं मंजिल पर, सामने आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा फ्लाईओवर बनाया, देख सकते हैं कर्व में है पूरा, तो देखिए देखिए और बना काफ़ी चौड़ा बना हुआ है, ऊपर लाइट भी लगी हुई है, आराम से आप यहाँ पे दौड़ाएंगे गाड़ी और पहुँच जाएंगे अपना टाइम और डिस्टेंस बच जाएगा आपका। और ये अच्छा लंबा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी बात ये तो रास्ता तो पहले भी था लेकिन ट्रेन की पटरी ये जो इलाका है वो दाऊदपुर के आसपास है, दाऊद का लेकिन यहाँ पे रोड तो थी लेकिन ऐसी ही थी, कच्ची रोड और फाटक था तो कोई ज़्यादा नहीं था यहाँ पे, अब बहुत अच्छा बना दिया गया। तो ये पूरा देखिए फोर लेन है, ये देखिए कितना बढ़िया बना रखा है, और नीचे का व्यू देखिए आप, ये रेलवे ट्रैक, तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो आपको, काफ़ी अच्छा और लंबा थोड़ा फ्लाईओवर है, लाइट वाइट सब लगी हुई है, तो आप ये जो जो जाए इस रूट से और जिस जाम से जो बचे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा ये रूट, और मैं ये आपको दिखाता हूँ ये एटा चुंगी के आसपास से कहाँ से जाना है आपको। तो ये ऊपर जो देख रहा है पुल ये वही वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था दिल्ली से जो कानपुर के लिए जा रहा है, ये सेम रास्ता है सब। तो ये देख सकते हैं नाले कितने गंदे हैं यहाँ पर और नीचे पूरा पानी होगा, ऊपर से देखिए कैसा हाल है। तो देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये यही आपका एटा चुंगी वाला चौराहा, और लेफ्ट हैंड की तरफ से आप उधर से ही आएंगे आप सीधे अपना कटकुले की तरफ होते हुए, और लेफ्ट हैंड पे वो फ्लाईओवर है आप समझ गए होंगे, और ये चौराहा है ये आपका एटा चुंगी वाला, और सीधे दम निकल जाएंगे तो आप क्वारसी की तरफ पहुँच जाएंगे, और राइट हैंड जाएंगे आप तो आप शिका झील ये सब पहुँच जाएंगे, तो एक आइडिया लग गया होगा आपको। तो ये लेफ्ट हैंड वाला रास्ता जो है वो अचल ताल की तरफ जा रहा है, फ्लाई ओवर जो है अचल ताल होते हुए आप सीधे और कटकुले की तरफ पहुँचेंगे, मतलब पुराने बस स्टैंड की तरफ पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको आगरा की बस मिलती है, पुराने बस स्टैंड से आप चलेंगे आगरा से और बिल्कुल सीधे आना है आपको अचल ताल की तरफ, और यहाँ से एटा चुंगी पे आके और राइट हैंड की तरफ चले आना है आपको जल्दी। ये देखिए इधर से आएंगे आप लोग, और ये जो क्वारसी की तरफ जा रहा है रास्ता ये भी काफ़ी चौड़ा कर दिया गया, देखिए आप पूरा, और
और जिस पर इस वक्त मैं चल रहा हूँ ये पहले नाला हुआ करता था और सिर्फ रोड ये था, ये वाला भी रोड डबल हो गया, लेकिन ये नाला दूर तक लंबा नहीं करा गया, बस यहीं पर ख़त्म हो गया, आगे फिर से नाला आ गया और यहाँ से हम वहीं पहुँच जाएंगे सीधे क्वारी चौराहे पर। ये देखिए बस यहीं तक हुआ है चौड़ा और यहाँ से नाला दोबारा कट चौराहे चौराहे को बस कराए चौड़ा। तो चलिए कमेंट करके बताइए कैसे की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर करिए। तो आ चुके हैं हम लोग घूम कर पूरा क्वारी चौराहे पे, पानी भी पहुंच चुके हैं देखिए, और यहाँ पे अभी देख सकते हैं कितना चौड़ा हो गया, लेकिन जाम लग रहा है फिर भी और काम चल रहा है अभी यहाँ पर। तो यहाँ से लेके रामघाट रोड से लेके पूरा और उधर हरद्वारा तक बनेगा पूरा फ्लाईओवर, अभी काम तो स्टार्ट हुआ नहीं है पर होने वाला है, फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्टिंग से हो जाएगा। ये देखिए इधर तब जा रहे हैं हम लोग और यही चौड़ा हुआ है, फोर लेन हो गया पूरा, देखिए ये सब बन रहा है। यहाँ तक जो बस खड़ी यहाँ तक पहले घर बढ़ते सब तोड़ के पीछे करे, और ये आगे जो है इसे कमेंट करके बताइए क्या है, ये वेंडिंग जोन है या पार्किंग के लिए बनाया गया है। ये देखिए